सर वही है कि अभी मैं कर रहा डिप्लोमा, ओके डिप्लोमा मेरा थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर है। अभी क्या सीन है कि फिफ्थ सेमेस्टर है मेरा, एग्जाम होने वाले 1-2 महीने में। तो इधर क्या बोलते, कैंपस सिलेक्शन आता है ना, तो बहुत सारे कंपनियां आ रही हैं। हमको एनिमेशन में थोड़ा क्या पूरा इंटरेस्ट है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल तो सर यही सोच रहे हैं कि ये डिप्लोमा की डिग्री पे हम जॉब करें या एनिमेशन फील्ड में आए। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि जो आपके कॉलेज में एनिमेशन वाले आ रहे हैं या फिर आप एनिमेशन कॉलेज में नहीं डिग्री नहीं कर रहे हो पहले वो से डिप्लोमा? तो सर इसमें तो वो आते हैं ना, ये एनिमेशन कॉलेज नहीं है। एनिमेशन कॉलेज वाले आ रहे हैं या फिर आप खुद सोच रहे हो कि मुझे नहीं, एनिमेशन नहीं कॉलेज? नहीं आ रहे, हमको खुद से सोचना पड़ रहा है। क्योंकि अच्छा, ओके ओके, तो आपका, सर ये जॉब करने से कोई मतलब है नहीं, वो तो आपसे ही सीखे हैं। हाँ देखो, सबसे बड़ी बात है यूट्यूब का पावर है कि आज हम मेरे साथ दुनिया भर के लोग जुड़े। आप जानते हैं कि हमारा अभी अभी जी तीस सर, जी हज़ार सर, 30,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, और सबका सपोर्ट रहेगा तो हम और आगे ग्रो करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि नॉर्मल से नॉर्मल बंदा अगर किसी को कुछ पूछना है तो वो एक्सपर्ट बंदे से डायरेक्टली कनेक्ट हो सकता है विदाउट फीस। अपने जैसे आप अभी जुड़े हो तो आपको पता है कि वही सर सही, ना। आपको आपको नहीं पता कि एनिमेशन फील्ड में क्या होगा क्या नहीं होगा। बेहतर है कुछ नॉलेज मिल जाता तो अच्छा होता, वो भी एक्सपर्ट से जो कि जी सर, ऑलरेडी दुनिया क्योंकि में लोग। हम एनिमेशन फील्ड में केवल आप ही को जानते हैं, आपको ही फॉलो करते हैं। तो अभी मैं आपको अगर ये बताऊं कि सबसे मेन जो आपका पहला क्वेश्चन है कि मुझे जहां तक लग रहा है कि आपको कॉलेज को ज्वाइन करना है या नहीं करना, राइट? ऐसा है? यस हाँ, तो जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि अपने पूरा जो भी हमारा 1.5 साल से, पिछले 2 साल होने को आ चुका है चैनल को, तो यहाँ पे हम पूरा एडमिशन के साथ आपको बताते हैं कि मतलब हम कौन हैं, हम क्या सिखाते हैं, हम क्या करते हैं। बिकॉज जो मैं बोलता हूँ जो दिखता है वो बिकता है, अदरवाइज कोई बिलीव नहीं करेगा आप पे, है ना? तो देखो, जी सर, जैसे मैंने बोला, आपका नाम क्या है? शुभ नाम मेरा शिवम सिंह नाम है। शिवम सिंह ना? तो शिवम सिंह जी देखो, सर, सबसे मेन चीज़ है, अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितने भी मैं बड़े बड़े ब्रांड का नाम लेता हूँ, किसी भी इंस्टीट्यूट पे ना जाओ तो बेहतर है। लेकिन अगर जाना है तो सबसे पहले ये देखो कि वो इंस्टीट्यूट का जो टीचर है उसका सैलरी कितना है। वैसे तो वो बताएगा नहीं आपको, मैंने मेन चीज़ ये है, ठीक है? क्या होता है कि यस देखो, मैं हमेशा ये कहता हूँ जितने भी मेरे मेरे द्वारा स्टूडेंट को मैं बोलता हूँ कि इंस्टीट्यूट में मत जाओ, वहाँ पे आपको टूल्स सिखाते हैं, और टूल्स सीखने से कभी ना तो एनिमेटर बनते हैं, ना मोशन ग्राफिक आर्टिस्ट बनते हैं, ना तो 3D एनिमेटर बनते हैं, ना तो 3D मॉडल डिजाइनिंग करने वाले बनते हैं, ना तो ग्राफिक डिजाइनर बनते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि फोटोशॉप में अगर मैं बोलूँ कि मुझे मॉडल शीट बनाना है, तो मैं आपका मान के चलो, मैं अरीना, मैं क्या किसी का भी टीचर हूँ, मैं बोलूँगा फोटोशॉप में ये टूल होता है वो टूल होता है। आप भी जानते हैं टूल तो खाली अपना वर्क करता है, लेकिन काम ठीक है, कैसे वो तो होता करते करते आ जाएगा। है, हाँ, टेक्निक कैसे काम करता है, वो आपको कौन सिखाएगा, जो टैलेंटेड, जो सचमुच में प्रैक्टिकली काम करता है इंसान, ठीक है? फर्स्ट बात है ये कि तो मैंने आपके देखा था वीडियो, ये जो मतलब ना आप किसी अरीना या मैक वाले से कोई बात कर रहे थे, किसी का वो कजन बन के। ये हाँ, राइट 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 सर, तो इसमें उसको बंदे को पता ही नहीं होता है क्या होता है ये ग्राफिक्स, क्या होता है रिगिंग, क्या होता है। बिल्कुल शिवम, देखो ऐसा नहीं है कि मतलब इंस्टीट्यूट में अच्छा नहीं होगा, फ्यूचर में होगा, जब वो अपने टीचर को 50,000 सैलरी देंगे तब तब होगा। बिल्कुल सर, जिसको क्योंकि जितना मिलेगा उतना ही देगा ना हाँ, अपना आउटपुट। क्योंकि क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मैं किसी भी ब्रांड के लिए जाता हूँ, मेरा 2.5 लाख टीचर को नहीं दे रहा हूँ, 2.5 लाख मेरे उस जो जिसने वो ब्रांच खरीदा उसको जा रहा है, ना कि आपको जा रहा है, वो तो आपके टीचर को जा रहा है। अभी क्या है कि आपको अभी जैसे अगर आपको एनिमेटर बनना है, हम नहीं कहते कि आप लर्न एनिमेशन में आइए, क्योंकि हमारा ऑफलाइन अभी शुरू होने ही वाला है। ऑफलाइन तो हमारा शुरू नहीं, ऑनलाइन ही हमारा है। मैं आपको सिर्फ इतना कहता हूँ कि आप जब भी आपको ज्वाइन जब भी आपको एडमिशन सीखना हो, या तो किसी ऐसे स्टूडियो में जाओ जहाँ पे ऑलरेडी प्रोजेक्ट में काम हो रहा हो, जो कि मुश्किल से होता है, वहाँ पे जाके उन्हें कहो कि हम आपको पैसे भी देंगे और हमें सिखाओ भी, या फिर लर्न एडमिशन जैसा प्लेटफॉर्म को पकड़ो जहाँ पे प्रैक्टिकली पहले वीडियो पढ़ा होता है, समझ आता है कि मुझे करना क्या है। तो वही है ना, तो हम मैं आपको पिछला मतलब 8 से 10 महीने हो गए आपको फॉलो करते हुए। ओके आपसे मतलब बहुत कुछ सीख लिया है। अच्छा, तो मैं अगर ये आपसे जानूं कि जब आपने पहली बार वीडियो देखे या फिर
आपने लर्न एनिमेशन का वीडियो तो नहीं देखा, तो एनिमेशन के बारे में कितना पता था, कितना गलत पता था, होता ना एनिमेशन में ये होता है ये होता है वो कुछ ऐसा भी आते, आइए एक दिन में एनिमेटर बनिए, कार्टून वीडियो बनाना सीखिए। ऐसे ऐसे ना, ऐसे ऐसे बहुत मतलब ना यूट्यूब पे कुछ ऐड चला के अपना मतलब वो हाँ होम पेज पे लाते थे तो थोड़ा दिखता था, मतलब आप ये होता है ना यूट्यूब पे जैसा सर्च करेंगे वैसा कंटेंट आपको दिखता रहता है, तो बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही एक एक बंदा था, मतलब हम गए नहीं कहीं, हमारा मतलब कटा वटा नहीं है, फिर वो बंदा मतलब क्या सिखा रहा था कि बोल रहा था कि हम आपको स्टार्टिंग से लेकर वो व्हाट्सएप सपोर्ट वाला, और एक था कि 3 घंटे का लाइव सेशन वर्क था उसमें बोल रहा था कंप्लीट सिखाने के लिए, टू अच्छा डी एनिमेटर देखो बना देगा। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा कि हम बताऊंगा क्या, आप हमारे चैनल पे जाके सीधा विजिट करके आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली में रियलिटी बात क्या होती है। देखो अभी सर क्या वो होता है तो कि, मैंने देख लिया है आपके बारे में सब कुछ। देखो क्या होता है कि पहली बात तो ये कि ना तो व्हाट्सअप हेल्प होता है ना तो चैट हेल्प होता है एनिमेशन में। क्यों, इसका एग्जाम्पल, क्योंकि आप आपको पता है कि लर्न एनिमेशन मैं खास तौर पे एग्जाम्पल देता हूँ लोगों को कि भाई क्या होता क्या है। देखो अगर आप टाइम पे भी प्रॉब्लम आता है तो एनिमेशन ऐसा फील्ड है जो प्रैक्टिकली अगर कोई बोलेगा कि मेरा मेरा एक ऐसा बिल्कुल सीन है जहाँ पे एक पेड़ के पीछे से कैमरा आ रहा है, तो तुम मुझे व्हाट्सएप में कैसे क्लियर कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, है हाँ ना। वही तो सर, और अब तुम टेक्स्ट मेरे टीचर थोड़ी ना समझ में आता है। तुम हाँ क्या तुम्हें तुम्हें मेरा स्क्रीन देखना ही पड़ेगा। फर्स्ट बात ये सब पूरा का पूरा फेक होता है, जितने भी चीजें ऐसी होती है। सर वो भी सेकंड बिल्कुल फर्स्ट टाइम आप स्क्रीन भी देखेंगे ना, मतलब अगर आपका स्टार्टअप है फर्स्ट टाइम आप स्क्रीन देखकर भी समझ क्लियरिटी नहीं आती है जब बिल्कुल तक वो बंदा खुद करके नहीं सिखाते हैं। देखो हमारी हमारी जो क्लास होती है ना, हमारी क्लास में वो लोग आते हैं जिनको डाउट डाउट आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मुझे सीधा मुनीश मेहता का डाउट चाहिए, क्लास चाहिए मेरे को, लर्न मिशन वालों ने सब सिखा दिया, सब आता है, लेकिन जहाँ पे प्रॉब्लम आता है ना वहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। जाहिर सी बात है हर बिल्कुल आदमी का अपना प्रॉब्लम होता है। अभी जिसमें मैन वो पे आता, जो आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि मुझे वो मेरे को वो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना नहीं करना, देखो पहली बात तो ये कि इंस्टीट्यूट तो आप कभी इंडिया में तो कभी मत जाना, तब तक मत जाना जब तक खास तौर पे मैं ना बोलूँ या फिर मेरी तरह प्रोफेशनल एनिमेटर ना बोले या फिर हमारी तरह कोई ऐसा आदमी ना बोले जिनको प्रैक्टिकली काम आता है। क्योंकि मैं आपको क्या बोलता हूँ, तब तक लोगों पर विश्वास मत करो, यहाँ तक कि मुझ पर भी मत करो, जब तक आपको नहीं लगा कि तुम्हारी चीज़ों को मैंने देख लिया है। पहले देखो फिर देखो फिर विश्वास करो, ट्रस्ट करो। कहने का मतलब है अगर मैं अभी बोलूँ मॉडल शीट, तो आपको पता है लर्न मशीन ने मॉडल शीट बनी है, इन्हें आता है। अगर मैं बोलूँ ट्रेसिंग, तो आपको पता है इन्होंने करके दिखाया है। अभी क्या होता है जब आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के पास जाएंगे, वो बोलेंगे ये ब्रांड वो ब्रांड, ऐसा नाम, ये टूल वो टूल, वैसा टूल, डिंग। उनको बोलो भाई सब बातें मैंने सुन ली है, नाम भी आपका है, सब कुछ है, एक काम करो मुझे बनना है एनिमेटर, मेरे को बनाना स्टोरी सिंपल। आप एक काम करो, मैं पूरा दिन भर बैठूंगा, 1 घंटा बैठूंगा, 2 घंटा बैठूंगा, ये करके दिखाओ पहले, तो मैं 2 लाख भी दे दूंगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि आप भी जानते हैं कि लोग जो ये बड़े बड़े सिस्टम बने हैं ना, ये खाली ब्रांड बना के मार्केटिंग करके नीचे जो जो सिखाने वाला है वो बहुत ही कमजोर बंदा रखा है सिखाने वाला, समझ रहे हो। तो जब आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे तो बड़ा बिल्डिंग मत देखो, उसका टीचर देखो। क्योंकि हाँ मैं ये नहीं कहता हूँ कि आने वाले टाइम पे जो भी ये इंस्टीट्यूट है, चाहे अरीना है चाहे मैक है, जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, ये इंस्टीट्यूट इनको क्या करना पड़ेगा, अपने टीचर को हाई सैलरी देनी पड़ेगी, तब जाके लोग वहाँ पे जाएंगे। क्यों, क्योंकि अभी मैं आपको बताऊँ ना शिवम, मुंबई से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मुझे कॉल करते हैं कि हमने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट छोड़ दिए। क्यों, क्योंकि वो देखते हैं कि 1 साल हमने इंस्टीट्यूट में जाके देखा और लर्न एमिशन में हमने फ्री में सीखा घर बैठ के। क्योंकि आप खुद सोचो अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे एनिमेटर बनने में, एनिमेटर बोल रहा हूँ ट्रेडिशनल एनिमेटर नहीं, मैं सिंबल्स एनिमेशन बोल, क्योंकि ट्रेडिशनल एनिमेशन अलग होता है, जो हमारे हमारे चैनल पे आएगा जब हमारा चैनल थोड़ा और बड़ा होगा। ट्रेडिशनल वो आप एनिमेशन बता रहे हाँ थे फ्रेम बाय फ्रेम ट्रेडिशनल होता है एनिमेशन ट्रेडिशनल होता एनिमेशन हाँ फ्रेम बाय फ्रेम होता है। जाहिर सी बात है हम अभी स्टार्टिंग में नहीं लाएंगे, ना तो हम 3D ला रहे, ना तो हम मोशन ग्राफिक ला रहे, हम वो ला रहे जैसे जिस टेक्निक से छोटा भी मोटा डोरेमोन बनता है और यूट्यूब के लिए कंटेंट बनता है, वो टेक्निक। और वो टेक्निक भी इंस्टीट्यूट वाले नहीं सिखा पाते हैं। क्यों, क्योंकि जैसे मैं ज़्यादा थोड़ा बोलूंगा, अगर आपको कोई रहता है तो मुझे पूछ लेना, अगर आपको कुछ पूछना है डाउट है, ठीक है। जैसे हाँ कि अगर बिल्कुल जैसे कि आपने वो अरीना वाला वीडियो देखा था, वहाँ पे एक बंदे को ग्राफिक डिजाइनर बनना है, लेकिन ग्राफिक डिजाइनर के नाम पे अगर कोई आपको लोगो और बैनर बैनर वाला ग्राफिक डिजाइनर बनाए, तो आपको पता है वो तो नॉर्मल 15,000 सैलरी वाले, वो तो मेरा तो कैरियर खराब हो जाएगा, जैसे ठीक है। देखा था आपने बोला तो वही मॉडलशिप के लिए ना, तो वो बोला कि हम किसी उसके लिए वो स्केच आर्टिस्ट को बुलाने के लिए बोला इसको दिखा रहे हैं। हाँ
अब खुद सोचो, क्योंकि देखो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, आप जानते हो कि लर्न मशीन में जो ग्राफिक डिजाइनर है उसने मॉडल शीट बनाया, इसका मतलब है ग्राफिक डिजाइनर ही मॉडल शीट बनाता है, इसका मतलब ये है। यस सर। तो आप खुद सोचो, एक आदमी ग्राफिक डिजाइनर, उसे ड्राइंग ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा तो मुश्किल है। बिल्कुल क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना 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 टायर के गाड़ी चल सकती है? भाई गाड़ी चलने के लिए टायर तो होना चाहिए ना, तो ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए ड्राइंग होना चाहिए। लेकिन लेकिन यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात है कि अगर आपको लोगो और बैनर बनाना है तो ड्राइंग की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? तो ड्राइंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपको जब इंस्टीट्यूट वाले जब आपको 17,000 लेते हैं, तो आपके माइंड में आता है यार मैं कम से कम 60,000 का सैलरी लूंगा ग्राफिक डिजाइनर के बाद। पर लेकिन आपको ये पता नहीं होता वो ग्राफिक डिजाइनर लोगो वाला है, वो लोगो डिजाइनर है। क्योंकि आप जानते हो, क्योंकि आपके माइंड में तो ये होता है ना कि एक ऐसा लड़का है वो 80,000 कमाता है, लेकिन वो जो लड़का 80,000 कमाता है वो गेमिंग कंपनी में वो करेक्टर डिजाइन करता है, वो करेक्टर डिजाइनर करेक्टर और बीजी डिजाइन करता है है ये ना। सर। और अब क्या होता है, करेक्टर डिजाइनर भी अपने को ग्राफिक डिजाइनर बोलता है, लोगो वाला भी ग्राफिक डिजाइनर बोलता है। अब आप इसमें फंस गए बीच में, यार ये मुझे बनना था करेक्टर डिजाइनर, बन गया लोगो डिजाइनर। अब आपको पता है लोगो डिजाइनर तो मार्केट AI खा गया, अभी पूरा खत्म हो गया, मतलब हाँ वही तो बिल्कुल। तो इसीलिए सीन ये है ना सर, एनिमेशन में आने का मेरा यही मतलब है कि हम ये प्रोग्रामिंग सीख रहे थे, इधर कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा करते हैं, फर्स्ट ईयर तक तो हम पूरा प्रॉपर क्लास लिए हैं, अच्छा। तो सेकेंड ईयर में ये जो एआई का क्रेज बढ़ा ना 2022 में, तो ये जो होता है ना स्टार्टिंग का फ्रीलांसर या तो फ्रेशर का जो होता है ना कोडिंग का सर, वो चैट जीपीटी वगैरह जो आ गया और हम लोग का होता है एक्सटेंशन वीएस कोड, उसमें सर चैट जीपीटी इंक्लूड कर दिया। अब नॉर्मल नॉर्मल सर जो आप स्टार्टिंग में सीखते हैं वो तो वही बना बनाया कोड दे दे रहा है, आप कॉपी पेस्ट करके क्लाइंट को थमाएंगे, तो ये जॉब तो मतलब क्लाइंट को पता होगा तो वो थोड़ी ना आपसे ये मतलब स्टार्टिंग सैलरी अच्छा लेवल पे का आपसे करेगा कराएगा। वो आपको वही सैलरी पे। तो देखो, मैं ये बोलता हूँ कि वैसे भी अभी जो ऐसे टू डी ज़्यादातर जितने जो अभी एनिमेशन में आते हैं ना, उनको लगता है कि एक तो हम फ्रीलांस कर सकते हैं, एक सबसे नंबर में रहता है उनका यूट्यूब, यूट्यूब टारगेट करते हो। अभी मेरी क्लास में जिन्होंने ज्वाइन किया वो डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है, और आर्मी वाले भी है, मतलब आर्मी मतलब BSF से भी है, मतलब जो मेरी लाइव क्लास में रहते हैं। देखो क्या होता है कि एनिमेशन एनिमेशन एक स्किल है, ये कोई वो नहीं है कि आपको एक मतलब आप सिंगर है तो सिंगर ही बन गए, ये ऐसा है। क्योंकि आप जानते हैं, अगर मैं मान के चलो आप जैसे मेरी क्लास में एक डॉक्टर ने ज्वाइन किया है, उन्हें उनका कहना है कि मैं अपना अपना वीडियो बनाना चाहता हूँ अपनी फील्ड का। अब जाहिर सी बात है, वो एक डॉक्टर दूसरे एक्सप्लेनर वीडियो हाँ एक डॉक्टर दूसरे को नहीं बता सकता तुम ऐसे ही बनाओ, बेहतर है वो खुद सीखे फिर वो शाम को बैठ के बना दे। उसको वो चाहता है कि अपना नॉलेज शेयर करूं, और उस नॉलेज के शेयर से मेरा मेरा जो एजुकेशन की वीडियो है मेडिकल की, वो ज़्यादा आगे जाए। ठीक है, कहने हाँ, का क्योंकि मतलब सर ऑफलाइन से ज्यादा ऑनलाइन से पॉपुलैरिटी मिलती है। हाँ कहने का मतलब है जैसे लर्न एनिमेशन क्या सिखाता है कि अभी तो देखो राइट नाउ तो अभी स्टोरी स्टोरी लेवल पे हो गया, राइम्स लेवल पे हो गया, लेकिन आपको पता है कि हमारे पास, एक तो मैं खुद हूँ, खुद इसका ऑनर हूँ, मैं खुद आपको सिखाता हूँ, और दूसरा हमारे पास दुनिया के बेहतरीन बेहतरीन बोले तो ग्राफिक डिजाइनर, वो स्केच आर्टिस्ट हो गया, स्केच आर्टिस्ट एक्चुअली में ग्राफिक डिजाइनर ही होता है मेरे पास। क्योंकि मेरे को नहीं लगता है ऐसा, तो ही होता है, स्केच आर्टिस्ट अलग होते हैं, ट्रेसिंग करने वाला अलग हो गया, भाई ये सब बस बकवास वही है। सर, स्क्रैच किया तो ट्रेस करना तो वो सीख ही जाएगा ना। हाँ तो हमारे पास दुनिया के बेहतरीन लोग हैं, हालांकि अभी तो हमारे पास सिर्फ दो दो तीन क्लास ही अवेलेबल होते हैं लाइव क्लास। तब भी मैं लोगों को बोलता हूँ कि अगर पैसा नहीं है तो फ्री में सीखो, और फ्री में सीखने का मतलब होता है कि डाउट को खुद सॉल्व करना, क्योंकि देखो डाउट का वही उसी में फंसे रहो, हाँ मतलब फंसे क्या रहो वो बार बार देखो अपना क्लियर करो, नहीं तो ऐसे लाइव क्लास में आने का मतलब है आपसे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते देखो हैं। हम जितना हेल्प कर सकते हैं यूट्यूब में उतना कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, हर एक बंदे को हम डाउट सेक्शन नहीं दे सकते, फिर तो पूरा एशिया के लोग आ जाएंगे, हमारा सिस्टम खराब हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हो कि लर्न एनिमेशन के बाद इतना बजट नहीं है कि फ्री में जाके हर एक टीचर को एक डाउट के लिए रखे, नहीं है। ठीक है, बिल्कुल और हाँ इतना ज़रूर कर सकते हैं हम, इन फ्यूचर अगर हमारा बड़ा कारोबार बन गया तो हम सस्ता एजुकेशन कर सकते हैं, सस्ता हाँ, एजुकेशन, ये इसीलिए क्योंकि आप जानते हो कि अगर सर अभी ना हम क्या सीन हुआ था ना, आप पेमेंट कलेक्ट किए थे तो आपका मतलब लाइव क्लास सोचे थे लेने के लिए, तो मेरा क्लास इधर मैं क्लास भी थर्ड ईयर था ना, तो मैं सोचा अच्छा अभी क्लास लूंगा तो छूट भी सकता है, इसलिए मैं आपका क्लास ना लेकर के फिलहाल में वो लिया आपके वेबसाइट से ना, वो जो क्या रिकॉर्डिंग वीडियो, बोलते कैरेक्टर नहीं अरे कैरेक्टर करेक्ट रिकॉर्डिंग करेक्ट वीडियो नहीं सर, कैरेक्टर करेक्टर भी, हाँ समझ गया समझ लिए। गया। हाँ
तो अभी आपका अभी आप क्या अभी आप क्या जानना चाहते हो? एक तो मैंने फर्स्ट ये बोल दिया इंस्टीट्यूट तो कभी मत जाना, अगर जाना भी चाहते हो, क्योंकि मैं आपको मेरा ये क्वेश्चन नहीं था कि मैं इंस्टीट्यूट एनिमेशन इंस्टीट्यूट ज्वाइन करूं, मैं ये बोल रहा था कि मेरा ये इंस्टीट्यूट में जो पढ़ रहा हूँ ना, ये फाइनल है इस साल, मैं इसके इसके डिग्री लेकर के जॉब करूं, ये हाँ, मतलब इस पे भी आ रहे हैं कैंपस सिलेक्शन ना, तो वो ले जा रहे हैं बंदों को, तो इसका आप लूँ या फिर एनिमेशन फील्ड में मेरा कोई डिग्री वगैरह नहीं है, मैं इधर आता हूँ, या इसमें मेरा कोई मतलब मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ इसके बारे में, कैसे कहाँ जॉब मिलेगा। देखो, मैं आपको सही राय दूंगा कि अगर आपको लगता है कि चाहे आप किसी भी फील्ड से, इंजीनियरिंग फील्ड से, किसी और फील्ड से हो, अगर आपको लगता है कि वहाँ पे मुझे कुछ थोड़ा बिगिनर लेवल पे कुछ मिल रहा है, तो मैं तो कहता हूँ कर लो उसे, कर लो उसे जॉब को कर लो। क्योंकि क्या होता है, एनिमेशन रातों रात तो आएगा नहीं, कम से कम 1-1.5 साल लगेगा, 1 साल लगेगा आने में, ठीक है? क्योंकि एनिमेशन बहुत बड़ा फील्ड है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको पैसा तभी मिलेगा जब आपको काम आएगा, जो दिखेगा वही बिकेगा। यहाँ पे ना कुछ भी डिग्री नहीं चलता है। जैसे कि अगर आप एनिमेटर, देखो पैसा, क्योंकि आप जानते हो कि जितना इंडिया डिजिटल बनेगा, जितना वर्ल्ड डिजिटल ऑनलाइन आएगा, उतना एनिमेशन का कारोबार बढ़ेगा, उतना बढ़ेगा। जैसे आप जानते हैं कि जितने लोग अभी 40,000 सैलरी करते हैं ना, उतना तो एक फ्रीलांसर कमा देता है एक यूट्यूब से ही, जो जो एनिमेटर या होता है वो ना। तो पता सिर्फ सिर्फ और सिर्फ काम उसके लिए जो का जिसको काम आता है। देखो अगर आपको काम नहीं आता ना, कितना भी जान लगा दो ना, एडमिशन में काम मिलेगा ही नहीं। आपको लगेगा दुनिया खत्म है, एडमिशन की खत्म है दुनिया एडमिशन की। क्यों? क्योंकि सर, आप, वैसे बताइए। हाँ तो बोलिए। मैं आपको ये राय यहाँ पे देने वाला हूँ कि आप सबसे, मैंने कि आप अगर आपको कहीं अपने फील्ड में, जिस मान के जो भी फील्ड है आपका, उसमें जॉब मिल रहा है, करो, बिकॉज अभी आपको एडमिशन नहीं आता है। सर नहीं जाना चाहते हैं, उधर जाएंगे तो फंस जाएंगे फिर। तो अगर आपको, देखो ये तो आपका अपना लाइफ है, अगर आपका ऐसा है तो मैं आपको इतना ही बोलता हूँ, एनिमेशन अच्छा फील्ड है, पर बट एनिमेशन में आने से पहले आपको एक बात का ख्याल रखना है कि कम से कम आपको 4 से 5 घंटा अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में सीख रहे हो, खासतौर पे, देखो मैं दूसरा प्लेटफॉर्म की बात नहीं करूंगा, अगर आप हमारी क्लास में भी आते हो ना, तब भी आप एनिमेटर नहीं बन सकते हो, तब तक जब तक आप प्रैक्टिस खुद नहीं करोगे, तब तक, ठीक है? क्योंकि बिल्कुल आप जानते हो कि मेरा टीचर जो लर्न एनिमेशन का टीचर है, वो मेरी कॉल हमेशा उठाएगा, हमेशा एनीडेस्क में आएगा। ये 100% क्वालिटी के साथ, ट्रस्ट के साथ होता है, मतलब विश्वास के साथ होता है, ठीक है? अगर आपको, अगर हमारा, जैसे अभी तो देखो हम इंडिया में हर जगह अपना ऑफिस नहीं कर रहे ओपन, अगर हमारा अभी नए नए साल में ऑफिस ओपन हो गया, आपको लगता है कि सर मैं ऑनलाइन आके ऑफलाइन आके सीखना चाहता हूँ, तो फिर आपके पास एक ही लोकेशन है राइट ना, वो है देहरादून। आप चाहे इंडिया में कहीं भी रहते हो, सकता है दूर पड़ जाए, बिकॉज हम पहले देहरादून से शुरू कर रहे हैं, तो देहरादून में मैं खुद रहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ से शुरू करना, अदरवाइज मैं दिल्ली से भी शुरू कर सकता हूँ। जैसे जैसे कारोबार बढ़ेगा, वैसे वैसे हम आपकी सिटी में भी पहुँच जाएंगे, चाहे आप यूपी से हो, मध्य प्रदेश से हो, जहाँ से भी हो, धीरे धीरे। ये है ऑफलाइन के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑफलाइन आना चाहते हैं, लेकिन ऑफलाइन में बस फिर ये होगा। सर अच्छा ये बताइए, जॉब के मतलब स्टार्टिंग में जॉब मैं सोच रहा ना, जॉब करते करते ना थोड़ा स्किल्स डेवलप करें, स्टार्टिंग में कितना आना चाहिए कि हम अपना कर सकते हैं अप्लाई। जॉब के लिए एनिमेशन में देखो, अगर आप, मैं इतना बोलूँ, आप मेरे चैनल से बैठ के, अगर आप खाली वॉक साइकिल हो गया, स्टेजिंग समझ रहे हो, जिसमें करेक्टर और बीजी को साथ में लगा के हम सीन बनाते हैं, मुझे लगता है मेरे सब्सक्राइबर को इतना तो समझ आ गया बिना ज्वाइन करके, स्टेजिंग क्या होता है, फोटोशूट क्या होता है। अब तो आपको कोई बेवकूफ़ भी नहीं बना सकता है कि भाई हम आपको ग्राफिक डिजाइनर बनाएंगे, तो आप एकदम से बोलोगे भाई मुझे कभी कैटरीना कैफ का मैंने नाक नहीं बनाया, तू मुझे ग्राफिक डिजाइनर बना दे, क्या हद है, कैसे बनाएगा भाई, कैसे बनाएगा? वो बोलेगा मैं बना दूंगा, तो उसे जब वो आपको बनाएगा, अगर वो आपको ट्रेसिंग सिखाएगा, तो आप पकड़ लोगे, आप बोलोगे ये तो ट्रेसिंग है भाई, इसे कौन बोलता है डिजाइन है, ये तो ट्रेसिंग है। डिजाइनिंग और ट्रेसिंग में फर्क होता है। तो अभी क्या है कि ये नॉलेज कैसे आया, बिकॉज मैंने नॉलेज को शेयर किया आपके साथ, बताया आपको ये चीज होती है। तो कहने का मतलब है, अगर आप मेरे वीडियो को, वॉक साइकिल हो गया, स्टेजिंग हो गया, ये सब सीख जाते हो, जिसमें कि मैं आपको बोलूँ एक छोटा मोटा काम आ जाता है, जिसमें मैं आपको बोलूँ वॉक करो, आई ब्लिंकिंग करो, स्टेजिंग करो, ट्रेसिंग करो, और थोड़ा बहुत आप रिप्लाई दे सको। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला पब्लिक सेटिंग क्या होता है, आप बोलोगे ये होता है, अच्छा लूप क्या होता है, अच्छा ये मतलब ये ऑडियो स्ट्रीम और ऑडियो इवेंट क्या होता है, क्योंकि आपने काम किया, आपने, सर हाँ आपको पता होगा आपने काम किया है। और इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट यहीं पे बेवकूफ़ बनाता है, वो खाली टूल सिखाता है, और इंस्टीट्यूट के टीचर को ये भी पता नहीं रहेगा ऑडियो स्ट्रीम क्या होता है, क्योंकि उसने कभी काम ही नहीं किया, पता ही नहीं उसे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और आपको काम आता है, आपको जानते हैं, अगर हमने कभी भी किसी को अंदर जाके क्योंकि आप प्रैक्टिकल करके सिखाते हैं ना, बात ये है। अगर आप किसी भी टीचर से पूछोगे ना, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के, कि अगर हम पब्लिक सेटिंग जाके सेटिंग को छेड़ना जरूरी है, नहीं है, उनको क्यों पता नहीं होगा, बिकॉज उन्होंने प्रैक्टिकल करके आउटपुट नहीं निकाला कभी। आपने क्या होगा, आउटपुट निकाले तो आपको पता है, अगर हम सेटिंग सही नहीं करेंगे तो हमारा ऑडियो का जो बिट रेट खराब आएगा, तो ऑडियो रोबोटिक की लगेगा, क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो हाँ रोबोटिक लगेगा, बिकॉज आपने किया है। लेकिन जब आप अरिना के टीचर से पूछोगे, वो अटक जाएगा, क्यों? क्योंकि वो टूल सिखाने में माहिर है। तो आप क्या बोलोगे, टूल सीखने का कौन देता है 60,000, कोई नहीं देता है।
टूल टूल कौन सिखा रहा है? तो अभी मैं अगर आपको बोलूं वॉक साइकिल स्टेजिंग और ये सब आ जाए, सीधा आप जाओ स्टूडियो में, अपना छोटा सा पोर्टफोलियो बना के अप्लाई करो या उनको दो, या फिर जाके सर? हाँ, मैंने आपको कई बार कमेंट में किया था, आप बोले कि इस पे वीडियो बना, मतलब पोर्टफोलियो में ये बता सकते हैं कि क्या क्या, मतलब किस टाइप का एनिमेशन ऐड कर सकते हैं? पोर्टफोलियो में आपको देखो, पहली बात तो है कि जो पोर्टफोलियो होता है वो आपका काम ही होता है, जो मैन है पोर्टफोलियो को, ऐसा आपने आपने सुना होगा ना, जब आप हीरो बनने मुंबई जाते हैं बोलते हैं पोर्टफोलियो दिखाओ पोर्टफोलियो दिखाओ, तो पोर्टफोलियो क्या होता है? पोर्टफोलियो उनका वर्क होता है, फोटोग्राफी की होती है, उनकी एक्टिंग होती है, उनका ये सब होता है, उनका मॉडलिंग, जो भी वो मॉडल वो जो भी अपना रहता है, जैसे हीरो का पोर्टफोलियो होता है ना, जो एक्टर लोगों का जो अपना हीरो बनना चाहते हैं, अपना शाहरुख खान बनने जाते हैं, तो वैसा ही अपना भी एनिमेशन की दुनिया में पोर्टफोलियो होता है, जैसे कि आपका काम होता है। अगर जो भी आपका काम है सबको लगा के रखो, जैसे आपने बनाया राइम्स, राइम्स को लगा के रखो, उसके दूसरे साइड से दूसरा, मतलब कुल मिला के आपने 1.5 मिनट का वीडियो बनाना, छोटे छोटे काम बनाना, मतलब 30-30 सेकंड, ऐसा नहीं करना है कि वहाँ पे आई ब्लिंकिंग वो हो। तो सर हमको, ये तो आपको, आप ये जो बता रहे हैं ना, मतलब कि वो तो ठीक है, अब 1.5 मिनट का जो बोले, मतलब ना काम में, मतलब बहुत सारा काम हो गया ना, अभी जो बोलने जा रहे थे आप, आई ब्लिंकिंग वगैरह वगैरह, इसमें से क्या करें? बहुत सारा काम नहीं होता है, मैंने बोला कि आई ब्लिंकिंग रिग ये नहीं करना है, ये पोर्टफोलियो नहीं बनाना है ऐसा, यस सर, आपको आपको फाइनल बनाना, यही पूछ आपको फाइनल बनाना है, फाइनल फाइनल मतलब पूरा स्टोरी। देखो रहा था। मैंने अच्छा, मैंने मैंने गलती पे गलती बनाया, आपने देखा होगा सीरीज, यस तो आपको सर, पता है कि देखा आपको वो गलती पे गलती, वो छोटे छोटे पार्ट जो मैंने एपिसोड वाइज, वो नहीं बनाना पोर्टफोलियो, फाइनल वीडियो बनाया ना वो दिखाना है। क्यों? जब आप फाइनल है। अच्छा, दिखाओगे, आप दिखाना एग्जाम्पल एग्जाम्पल आप बोलोगे कि अरे मेरे को मिस्त्री रख लो, मुझे घर बनाना आता है, तो आपको छोटे छोटे विंडो वगैरह नहीं दिखाना, आपको फाइनल घर दिखाना, ये देखो, क्योंकि मैं समझ जाऊंगा, इनको सब आता है, मैं समझ जाऊंगा, यस सर, तो ये होता है पोर्टफोलियो। अगर आप बोलोगे कि मेरे को घर बनाना आता है, मैं बोलूंगा घर कहाँ है, तो आप बोलोगे ये देखो ये विंडो है, ये ऐसा है, तो मैं बोलूंगा यार इसको नहीं आता है, छोड़ो निकाल दो इसे, इसे नहीं आता है। मतलब जैसे एक कैरेक्टर का मैं एक्शन रिएक्शन कर रहा, तो उसमें आई ब्लिंक वगैरह सभी सभी इंक्लूड रहे हैं। ऑफ कोर्स जब आपका पूरा का पूरा स्टोरी बना है, तो जाहिर सी बात है उसमें वॉक भी होगा, जाहिर सी बात है वॉक होगा तो रिग भी होगा, जाहिर सी बात है वो रिग होगा तो आई ब्लिंकिंग भी होगा, जाहिर सी बात है वो कंबाइनिंग भी होगा, बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा, यानी कि अगर आप एक छोटा सा भी स्टोरी दिखाते हो ना पोर्टफोलियो के नाम पे, तब भी सामने वाला एनिमेटर या सामने वाला इंटरव्यू देखने वाला बंदा या फिर आपका पोर्टफोलियो देखने वाला बंदा, सारा सारा तो उसी में आ गया ना सब, एक ही वीडियो में आपने आपने पूरा का पूरा बता दिया कि भाई ये मेरा काम है, अब देख लो, अब जब वो वीडियो देखोगे वो पूछेगा आपसे बल्कि कि अच्छा इसमें ग्राफिक किसने बनाया, तो बोल दो यस मैंने, या फिर लिख लो कि आप एक लिख लो कि ग्राफिक ग्राफिक भी आपने बनाया, वॉइस ओवर भी आपने दिया, अगर मान के वैसे तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट आप नहीं होंगे, वॉइस ओवर आर्टिस्ट कोई और भी हो सकता है, तो उसमें लिख लो बैकग्राउंड आपने बनाया, वॉइस ओवर ये करेक्टर का एनिमेशन आपने किया, रिग आपने किया, और पूरा का पूरा स्टेजिंग आपने किया, ये लिख सकते हो, लेकिन ये कहाँ लिखोगे, जो एक छोटा सा बना दो उसमें लिख लो, वीडियो में उसे ऐड कर दो कि सारा आता नहीं है कि एनिमेशन बाय इसका ग्राफिक बाय ये, तो वो लिख लो, क्योंकि उससे क्या पता लगेगा उसे, वैसे तो वो आपसे पूछ लेगा कि अच्छा ये वीडियो में एनिमेशन किसका है ग्राफिक किसका, तो आप क्या बोलोगे सर ये मैंने सारा मैंने किया, तो उसको लगेगा यार ये बंदा काम का बंदा है इसे ला दो, ठीक है। अगर आप छोटा छोटा दिखाओगे ना कि आई ब्लिंकिंग रिग, तो वो समझेगा यार इसको छोटा छोटा आता है, पूरा फाइनल चाहिए हमें, क्योंकि फाइनल के लिए बैठे होते हैं, ठीक है। तो कम से कम आप छोटा छोटा बना दो और फिर इंटरव्यू के लिए जा दो, 100% अगर वहाँ पे एनिमेटर का जॉब होगा तब मिलेगा, कभी कभी क्या होता है ई लर्निंग वाले होते हैं तो शायद गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि बाहर से दिखने में वो एनिमेशन की कंपनी लगती है, मैंने बोला ना एक ई लर्निंग होता है, एक हमारा यूट्यूब लेवल पे होता है, एक यूट्यूब लेवल पे होता है, एक वो होता है जो बड़े बड़े ऊपर आता है, एक वो होता है प्रोडक्शन बड़े बड़े वो जो में बड़ा बड़ा काम होता है, वहाँ पे तो जाने का जरूरत नहीं है, नॉर्मली आप वहाँ पे जाइए जहाँ पे स्टोरी लेवल पे काम होता है। पता कैसे चलता है इन लोगों का? पता ऐसा चलता है जब वो आपको बोलते हैं कि हमारे पास फोटोशॉप का काम है, हमारे पास इलस्ट्रेटर का काम है, हमारे पास आफ्टर इफेक्ट का काम है, तो समझ जाओ यहाँ पे खिचड़ी पकने वाली है, मतलब वो ई लर्निंग है, वो एक प्रोफेशनल है कंपनी। ई लर्निंग में क्या होता है, कभी आपसे क्या काम करवाते कभी क्या करवाते, तो वहाँ पे मत जाना, जाना वहाँ पे जैसे जैसे बड़े बड़े चैनल है ना, जैसे बड़े बड़े चैनल में आपको नहीं हुआ वैसे चैनल में आपको जाना है। सर, ये मतलब कि हमको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम उनको कांटेक्ट कैसे करें, देखो वो मिलेगा पहले सर अपने यहाँ पे? फर्स्ट बात है शिवम, कांटेक्ट आराम से हो जाता है, मैं आपको ये बोलता हूँ हमेशा कि मैं ये बोलता हूँ कि फसल फसल बोने से पहले, बीजने से पहले काटने के बारे में मत सोचो, मैं ये मेरा एक डायलॉग होता है, आप बिलीव करो, आप बिलीव करो कि अगर आप ये बोलो कि मैं यूट्यूबर बनूंगा और यूट्यूबर बनने के बाद यार कौन सी गाड़ी लूँ, भाई गाड़ी का कलर समझ नहीं आ रहा अभी,
भाई फिर तो ये तो वो वाली बात होगी कि आमलेट बना नहीं खाने के बाद पहले हो रही है, कहने का मतलब आप खाने के बाद पहले होगी तो समझ जाओगे भाई तेरे से नहीं होगा, छोड़ दे तू छोड़ दे। क्यों? क्योंकि वो अगर आपको लगता है कि जॉब नहीं मिलेगी तो आप जरा ये सोचो कि जितने भी मतलब बड़े बड़े चैनल है जिनके मतलब 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर है, उन्होंने कोई तो एनिमेटर रखा होगा ना, कोई तो रखा होगा तो खुद सर तो। फ्रेजर लेवल पे जा सकते हैं ना? ऑफकोर्स जा सकते हैं, ऑफकोर्स जा सकते हैं, सैलरी कम होती है लेकिन जा सकते हैं 100%। मैं आपको सिर्फ तो इतना सर बोलता जाए हूँ, मतलब घर से मतलब ना घर से इतना तो सीख नहीं पाएंगे, जाएंगे तो मान लीजिए फ्रेजर लेवल पे जाएंगे तो एक्सपीरियंस के साथ काम करेंगे तो कुछ नॉलेज भी बढ़ेगा ना। हाँ, देखो मोस्टली बंदे फ्रेशर लेवल पे ही काम करते हैं, सीधा सीनियर लेवल पे तो ही काम करते हैं कि घर से सीनियर बन के आ गए। वो तो सर क्योंकि है ना, हाँ अगर अगर आप हमें देखो तो हम भी तो किसी टाइम पे 2012-12-13 हम भी तो फ्रेशर थे ना, हम भी तो किसी के बगल में बैठ के कुछ सीखे होंगे। आपका पूरा स्टोरी वो जो बता रहे थे आप ना कि गए थे कहीं ड्राइंग अच्छा था आपका तो वो किसी से मिलवाने ले गए, वो बोले इनका इनका ड्राइंग अच्छा है एनिमेशन फील्ड में आने के लिए, वैसे स्टार्ट हुआ था आपका। हाँ तो मैं तो देखो पहले डांस करता था और ड्राइंग तो मेरा बचपन से अच्छा था, वो तो आपको पता है कि ड्राइंग मेरा बचपन से अच्छा था। और बड़ी बात पता है, बड़ी बात ये है कि देखो अभी तो यूट्यूब अच्छा चलता है, इंटरनेट अच्छा चलता है, तो आपको समझाने वाले प्रोफेशनल लोग बैठे हुए फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट वो बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करते हैं तो सामने वाला बंदा गलत रास्ते से जाने से बचता है, भले वो कहीं भी जाए, ठीक है। और जब हमने शुरू किया था 2011 में तो हमें कोई बताने वाला नहीं था, इसीलिए हमारे इंस्टीट्यूट में 3-3 लाख डूब गए, इसीलिए डूबे। अगर कोई बोलने वाला होता तो 3 लाख बच जाता, क्योंकि हमें मुझे भी नहीं पता था कि इंस्टीट्यूट में कोई अच्छा मतलब टूल सिखाते हैं। जिस जिस इंस्टीट्यूट ने मुझे सिखाया उसी इंस्टीट्यूट के टीचर को मैंने सिखाया बाद में। अब जब मैंने उनसे पूछा कि तुमने हमें गलत क्यों बताया, तो उनका क्या बोलना होता है कि जो डायरेक्टर होता है उन्होंने हमें ये बोला होता है इस बंदे को डिप्लोमा से डिग्री तक लाना है, क्योंकि वो सिस्टम है, वो धंधा चल रहा है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब है आप लोग लकी हो कि भाई चलो आज यूट्यूब चलता है, पहले 2014 से पहले किसको पता था वीडियो कॉल चलते हैं, हमारे गाँव में तो पता ही नहीं था, हकीकत ये है जो रियलिटी है। तो आजकल टेक्नोलॉजी बदल चुकी है, इंटरनेट आ चुका है, तो आपको पता है कि अब वो जमाना नहीं रहा कि आप हमें बेवकूफ बना सकते हो। अब यूट्यूब यूट्यूब नहीं रहा, यूट्यूब एक पार्ट का लाइफ का पार्ट बन चुका है यूट्यूब। और आप जानते हो कि यूट्यूब में सब बने, डॉक्टर बैठे, इंजीनियर बैठे, टीचर बैठे, सब बैठे हैं, और वो प्रोफेशनल। बट पहचानना आपको होता है कि रियल कौन है, जैसे लर्न एनिमेशन है और भी चैनल ऐसे, तो आपको समझना पड़ेगा कॉन्टेंट देख के, तभी मैं क्या बोलता हूँ जो दिखता है वो बिकता है। अगर अगर मैं गलत अगर मैं गलत सिखाऊं तो आपको पता है ना कोई मेरी मेरी चीजों को मेरी चीज को बोल के बताएगा ये चीज गलत है। मैं क्या बोलता हूँ कि हमने 10-12 साल लगाए तब जाके यहाँ पे आए, अगर कोई 1 साल वाला होता तो वो रिप्लाई नहीं दे पाता, चाहे वो 2D के मामले में, 3D के मामले में, फोटो के मामले में। अगर आप देखोगे कि जो मेरा जो मुझे मेरे साथ बात करने वाला है वो बचपन से आर्टिस्ट है, और सबसे बड़ी बात है 10 साल का एक्सपीरियंस है, सबसे उससे भी अच्छी बात है कि इतना क्लाइंट के साथ काम किया तो वो अपना अपना एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि सबसे पहले आप काम करो, काम सीखो, काम सीखने के बाद आप अपना पोर्टफोलियो बनाओ, आप सीधा जाओ या वो Naukri.com में पोर्टफोलियो बनाओ या इंडिड में पोर्टफोलियो बनाओ, 100% आपको जॉब मिलेगा। पर मैं इतना बताता हूँ कि मतलब जॉब करने से पहले अपने काम को ध्यान देना, जी सर। ओके। और कुछ पूछना है? नहीं सर और कुछ नहीं पूछना था, ये एक स्टोरी बना रखा है मैंने, आपको सेंड करें क्या? हाँ, ऑफ कोर्स आप सेंड कर सकते हैं। ये जो गूगल मीट करने का तरीका होता है, ये इसलिए होता है कि जो क्वेश्चन आपका होता है कभी कभी मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो जो दूसरों का क्वेश्चन भी होता है, तो मैं एक बार उसको जब पब्लिक में लाता हूँ तो लोगों को समझ आता है, ठीक है। हाँ, चलो आप मुझे भेज सकते नहीं हो क्या? आप बोले कल कल आने के लिए आप बोले थे ना रात में लाइव, तो क्या सीन था, मैं रात को वेट कर रहा था फिर आप फ्री नहीं नहीं, मैं लाइव कभी जब फ्री होता है तब आता हूँ, वो भी सिर्फ सब्सक्राइबर के रिप्लाई देने के लिए, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है मेरे लिए कि उनका रिप्लाई दूँ, उनके क्वेश्चन का रिप्लाई दूँ, ताकि क्योंकि सब लोग मेरी क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते, सब लोग 8,000 पे नहीं कर सकते हैं, इसीलिए सब लोग मुझसे बात नहीं कर सकते। भाई। और जैसे अभी आप जुड़े हो तो मतलब ये समझ लो कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि मैं कोई बंदा बात करता है तो जैसे मैंने बात किया, मैंने बोला कि अभी आप पूछ रहे हो बात किया, मैंने पूरा टाइम आपको दिया। और अगर आपको अभी भी लगता है कि एडमिशन के जुड़ा मुझे कोई क्वेश्चन पूछना है पर्सनली तो पूछ सकते हैं, बस एक बात का ख्याल रखना, एडमिशन में जो दिखता है वो बिकता है, जितना आसान दिखता है उतना होता भी नहीं है जब तक आप काम ना करो। वो तो सर पता है, वो तो पता है, बैठ जाओ तो 8-8 घंटे निकल जाते, पता ही नहीं चलता कब।
हाँ इतना आप ट्रस्ट कर सकते हो कि पूरा एशिया में लर्न एडमिशन एक बेस्ट है जो ट्रस्ट के लायक है। सच बता देते चाहे अपना चाहे दूसरों का है। जैसे मैंने बोला लर्न एडमिशन की लाइव क्लास आके भी आप एनिमेटर नहीं बनोगे, क्यों? क्योंकि भाई जब वो टीचर तो आके सिखाएगा, लेकिन जब तुम प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो क्या बताएगा, वो डाउट नहीं बता पाएगा। ठीक है, अपना जब तक तो 100% नहीं देंगे। हाँ जैसे मैंने बोला कि कभी आपने देखा हमने 800 वीडियो बना दिया, 800 वीडियो में कभी नहीं आया कि 1 घंटे में एनिमेटर बनो, एक वीडियो देख के एनिमेटर बनो। कभी ये नहीं बोला कि आइए यूट्यूब यूट्यूब से मतलब ऐसा डाल के आप रातों रात पर करोड़ों में एक पहुंच घंटे जाओ, में ये ऐसा भी नहीं क्लियर होता कि क्या क्या है इस फील्ड में, है क्या क्या पहले। तो हाँ तो जरा सोचिए, जो यूट्यूब में बोलते हैं कि आइए एक एक वीडियो में कंप्लीट कार्टून स्टोरी, तो सोचो वो कितने लोग, कितने फ्रॉड लोग हैं, सोचो जरा। उनका तो व्यू भी जाता है और व्यू भी जाएगा, और वो क्या बल्कि बोलते अभी हैं देखते आपके बाद भी हैं में सब। आपके बाद में अभी एक दूसरे लड़के से मीटिंग करने वाला हूँ। ये ऐसा मेरा सब्सक्राइबर मीटिंग होता है जब मैं उनको हेल्प करता हूँ। एक लड़का है जिसका चैनल एक डिलीट हो चुका है, आपको पता होगा आजकल मार्केट में 250 रुपये में वो वीडियो देता है बना के, 100 वीडियो 50 वीडियो पूरा बंडल वाला, पता है आपको स्कैम चल रहा है एक चाइना का। हाँ, यस हाँ हाँ वो रील बंडल। वो एक लड़के का भी चैनल डिलीट हुआ। वो लड़का मेरे साथ परसों से कांटेक्ट में, सर प्लीज सर लोग आप अपने चैनल पे बताओ, क्योंकि आपको पता है लर्न एनिमेशन पहला चैनल है जो जो इंस्टीट्यूट के बारे में खुलकर बोला बिना डर के, और जो दूसरों के बारे बिना डर के बोला, है अनअकैडमी ना, चाहे अनअकैडमी है। पे भी तो चल देखो रहा वो लर्न एनिमेशन हिंदी पहला चैनल है जो हमेशा एनिमेशन की दुनिया के बारे में या फिर यूट्यूब में जो कार्टून की दुनिया के बारे में जो फ्रॉड करते हैं उनके बारे में बताता है, अदरवाइज कोई नहीं बताता है। देखो बताने का मतलब ये नहीं है जी। कि मैं किसी की बुराई करूँ तो आप मुझे भी बिलीव करो, क्योंकि मैं आप जानते हैं कि इन लोगों को आता है और इन लोगों को जो ये बता रहे हैं यही चीज़ बता रहे हैं। अगर मैं खाली हवा में बातें करूँ तो बिलीव नहीं करोगे आप, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि एनिमेशन की दुनिया में पैसा है, भाई जब हम कमा पा रहे हैं, हमारे हम क्लाइंट से कमा पा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं कमा पाते हो, है ना। अभी तो वही तो। दूर छोड़ो, मेरी मेरी क्लास में बीच में एक दो सीनियर एनिमेटर आए, उनका सैलरी देखो 50,000 40,000, तो आपका क्यों नहीं हो सकता है, वो भी तुम्हारी तरह है। और जैसे आपने एक विजय नाम का एक इंटरव्यू सुना होगा एक लड़के का, वो लड़का एक मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, मुंबई में काम करता है, वो लड़का कॉल सेंटर में काम करता था, आज वो 35,000 लेता है कॉल सेंटर में काम करता है। भले वो 35 लेता है लेकिन वो अपने शौक का काम कर रहा है, स्टोरी बना रहा है। तो कहने का मतलब बात पैसों की नहीं है, बात ये कि एनिमेशन बिना डिग्री का ही चलता है। डिग्री डिप्लोमा ये कागज है, इनकी जरूरत नहीं है उनको, ठीक है, खास बात से। इसीलिए आपको पता है मेरे को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मेरे को काम चाहिए, मुझे आपका काम चाहिए, ठीक है। तो जो भी ये फ्रॉड लोग होते हैं यूट्यूब पे होते हैं, ये अभी मैं आपके बाद उसी के साथ मीटिंग करने वाला हूँ, फिर वो उसके बाद वो यूट्यूब में आएगा वीडियो, क्योंकि और लोगों को अवेयर करना है ना, बताना है, यस सर, ठीक है। और ये सब बोल रहे हैं कि इसमें वर्क फ्रॉम स्टार्टिंग में वर्क फ्रॉम होम लेना चाहिए या तो जाकर सीधे स्टूडियो में करना चाहिए। नहीं, आपको मुझे लगता है पहली बात है कि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में कभी भी विराट कोहली बनने का कोशिश मत करना, सोचना कि मुझे लर्न करना है, तो कभी भी वर्क फ्रॉम लेने की कोशिश मत करना। हमेशा सोचो कि ऑफिस में जाऊंगा कम से कम 2 से 2.5 साल में ऑफिस में काम करूंगा, भले मेरी सैलरी 8,000 हो, भले बिल्कुल मेरे से 8,000। मैं आपको जाते जाते एक बात बताता हूँ, कभी भी ना स्टार्टिंग में ना पैसों का मत सोचना, सिर्फ सोचना मेरा रेंट निकल जाए, खाना निकल जाए, वो मेरे को नहीं, ठीक है। मेरे को बस है ना इसमें ना हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए बस, ये हाँ क्योंकि अपने क्या होगा, देखो 2 साल के बाद आप जब आप पूरा टीम के साथ काम करोगे, बहुत दबा के काम करोगे, भले आपके जेब में कुछ नहीं बच रहा हो, पर 2 साल के बाद जब आप लौट के आओगे ना, आप घर बैठे अपना यूट्यूब के लिए भी काम कर सकते हो, क्योंकि पता लग जाएगा तब तक। और क्लाइंट का काम, क्योंकि आप बोलोगे ना कि मैंने फलाने के साथ काम किया, भले आप कुछ भी नहीं कमाया, ठीक है, जब मैंने यस। शुरू, अभी क्या नाम है, अभी कुछ रिसेंट कुछ दिन पहले आपके चैनल पे कोई लड़का आया था ना, वो जिसका 2 से 2.5 मिलियन था, विष्णु हाँ करके। हाँ तो वो बंदा मतलब ना फ्रेंड ही है हमारे। अब अभी उनको कुछ डाउट आता है तो मतलब वो तो स्टार्टिंग अभी बहुत मतलब एकदम स्टार्टिंग स्टार्टअप कर रहे हैं, तो उनको बहुत सारा डाउट आता है, तो वो सब क्लियर हो जाता है अपने में सर। टीम वर्क ना बहुत फायदा होता है अपने को। देखो अभी क्या है कि हमने जो अपना जो चैनल जो शुरू किया ना लर्न एडमिशन, इसमें आप आने वाले टाइम में बहुत हाई लेवल का काम देखोगे, क्योंकि मैं आपको पहले ही बोला हूँ हमारा चैनल धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, और आप जानते हो कि अभी तक जैसे हमने फ़ोन से कार्टून बनाना हमने कभी डाला नहीं, क्यों? क्योंकि हमारा लर्न एडमिशन बड़ा प्रोफेशनल, हमने वो वेबसाइट में डाला है, क्योंकि हम चैनल में इसलिए नहीं डाले, चैनल में इसलिए नहीं डाले क्योंकि चैनल में फिर गड़बड़ हो जाएगा, लोगों को लगे ये तो बच्चों वाला है, इसलिए मैंने वो नहीं डाला वहाँ पे।
और लर्न एनिमेशन का जो हमारा जो अभी गोल है, हमारा गोल है 3D से लेकर मोशन ग्राफिक्स से लेकर और वीडियो एडिटिंग से लेकर बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में मिले। बाकी आपका जो मन है कि बाद में मुझे टीचर का फैसिलिटी चाहिए, तो सर और चैनल इसीलिए ज़्यादा चलती है ना, वो ये भी सिखाते रहते हैं ना कैसे बनाए फोन से। देखो मुझे लगता है ना ऐसा चैनल YouTube में होना बहुत जरूरी है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो चाहे वो किसी भी हो, जो आपको लगे कि आपकी प्रोफेशनल है, यहाँ पे प्रोफेशनल बात हो रही है। क्योंकि कोई नहीं सर 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर ना नहीं आता है किसी का, कोई भी हो और एक टॉपिक पे। हाँ देखो अभी आपको पता है कि जो हमारा चैनल है खाली इंडिया, हमारा कंट्री नहीं, हमारा नेबर कंट्री भी फायदा उठा रहा है दबा के, बहुत तकड़ा फायदा उठा रहा है। और ये हमारे लिए अच्छी बात है ना कि वो काम कर रहे हैं, फायदा उठा रहे हैं। और सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी देखो, आप अभी अपने कॉलेज में बैठे हो, आप सीधा कनेक्ट हो रहे हो, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। आपको पता है कि मुझे मुझे तुम मुझे तुम जो अरीना में बैठे, कैबिन में बैठे टीचर, मुझे तुम्हारी बकबक नहीं सुननी है, मुझे वो सुनना जो यूट्यूब पे जो दुनिया सुन रही है। अब वो बोलेंगे कि मुनीश मेहता तो बात नहीं करेगा, बहुत लोग बोलते हैं नहीं, मेरा एटीट्यूड वैसा नहीं है, जो मुझसे बात करता है उसे पता लगता है वो तो भाई ऐसा है यार, बिंदास बात। इसीलिए ना पहले इसीलिए आपको मैसेज किया ना। हाँ मुझे अभी कल एक लड़की ने कॉल किया, पाकिस्तान से थी, बोली कि सर आपको मैंने 2 महीने पहले मैसेज किया था तो आपने रिप्लाई नहीं दिया था, मुझे लगा बड़े लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। मैंने कहा पहली बात मैं बड़ा नहीं हूँ, और जिस दिन मैं 1 महीने में 2 करोड़ कमाऊंगा उस दिन मेरी जगह कोई और होगा, पर फिर भी मैं बात करूंगा। और रही बात आपका मैसेज का, वो मैंने देखा नहीं था, जब वो बात करी तो मैंने पूरा पूरा हेल्प किया, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ या फिर कोई मैं यूट्यूब पे आता हूँ। क्या क्या होता है, क्या है ना, मैं आपको एक बात तो पता था मेरे को कि टाइम टाइम मिलेगा तो खुद करेंगे मैसेज, इसलिए मैं कुछ बार बार नहीं कर रहा था। होता क्या है कि जो लोग फेक होते हैं या फिर जो लोग छोटे होते हैं ना, वो कभी भी बात नहीं करते 100%, है ना। और दूसरा चीज मैं आपको बिल्कुल बताता हूँ कि आपको पता है कि अभी मैं सर जो मैंने, आएगा तब ना बात करेंगे। हाँ अभी जो लर्न एडमिशन यार, हम मुझे भी पता है कि हम लोग यार महीने का 5 लाख 6 लाख बना पाते हैं, ये कोई बड़ी रकम नहीं है, ठीक है। और दूसरी बड़ी बात है कि अगर हम YouTube पे मैं अभी बात कर लूँ तो मैं कोई छोटा नहीं हो जाता हूँ, मेरी मेरी इमेज उतनी अच्छी बनती है जितना मैं बात करता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि जैसा मैं जानता हूँ 2011 में मुझे समझाने वाला कोई नहीं था, तो बेटर है मैं अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करूँ, बेटर है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर ना करूँ तो जैसे आपका आपने बोला ना आपका फ्रेंड है कोई, उन्होंने अपना वो स्टोरी वाला शॉर्ट्स वाला वो किया, तो देखो कितना लोगों को हेल्प मिला, कितने लोगों को हेल्प मिला, बहुत लोगों ने बनाया, यहाँ तक कि हम भी बनाते हैं, हमारे भी व्यूज आते हैं। देखो ये होता है कि ऐसे जो लोग होते हैं ना कम मिलते हैं मार्केट में। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम ऐसा नॉलेज शेयर करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, अगर आप कोई भी आज के टाइम पे कोई भी एडमिशन की दुनिया में जाना चाहता है वो सीधा फटाक लर्न एडमिशन को कॉल करते थे, जाना नहीं जाना है क्या करना है। क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं 3D की बात करूं तो प्रॉपर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा कि जाना कहाँ जाना है, क्यों जाना है, क्यों। अगर आप बिलीव नहीं भी करोगे ना तब भी आपको 2 साल के बाद पता लग जाएगा यार मैंने गलत किया, मतलब 2 साल के बाद कॉलेज में सर ना, मतलब ना हमको ये क्वेश्चन पूछने के लिए इसलिए थोड़ा थे ना कि क्योंकि कॉलेज वगैरह में, कॉलेज क्या आस पास के मतलब घर के या तो गाँव में जहाँ रहते हैं कोई एनिमेशन के बारे में उतना जानता भी नहीं है, देखो इसलिए हम अगर थोड़ा अलग करते हैं। शिवम अगर आप इंस्टीट्यूट में जाते हो ना, सबसे बड़ी बात है इंस्टीट्यूट का प्रॉब्लम पता है क्या है, वहाँ पे चल रहा सब्जी मंडी वाला सिस्टम, ठीक है। सब्जी मंडी वाला, बैंगन लो 10 रुपए की नहीं तो 4 रुपए किलो, 4 रुपए की नहीं तो 8 रुपए किलो, नहीं बैंगन के साथ टमाटर भी लो, अरे हद है। एक आदमी एनिमेटर बनने आ रहा है उसे फोटोशॉप में बिठा रहे, अरे फोटोशॉप की क्या जरूरत है भाई एनिमेटर को, अब उनको फोटोशॉप सीखना ही नहीं है, हमें एनिमेटर बनना है। अब ये ऐसा तो ही, हमें ऑटो का ड्राइवर बनना है, आप हमें हेलीकॉप्टर सिखा रहे हो, हेलीकॉप्टर है ही नहीं है भाई, नहीं सीखना हेलीकॉप्टर हमें, नहीं चलाना हमें। कहने का मतलब है कि जो जो ये होते हैं जो भी जितने भी इंस्टीट्यूट में बैठे होते, सबसे मेन चीज़ है जो कैबिन के उस साइड बैठे हैं वो एक एम्प्लॉई है 15,000 वाला, उसका खुद का फ्यूचर नहीं है, हमारे को क्या फ्यूचर बताएगा। अब खुद सोचो जो वो अरीना वाला बात कर रहा था, जो भी मैनेजर था वो जो नोएडा से था, खुद सोचो उसकी से मैंने क्या बोला उस वीडियो में कि आपका सैलरी मुश्किल से 20,000 होगा, आपका सैलरी 20, उसने बोला ही नहीं, मुझसे निकला नहीं। आप सोचो जो ग्राफिक डिजाइनर का सैलरी 20,000 है और लोग बच्चों को बोल रहा है अमेजोन में आपका पोस्टर होगा, ये होगा, वो होगा, वो बता रहा था वो लोगो बैनर वाला मार्केट, वो होगा वो। अभी यार देखो बच्चे से पैसा लो लेकिन प्रूव सच बताओ, सच बता के लो, ये होता है। अभी मैं अगर मेरी क्लास में कोई आता है तो मैं ये तो ही बोलूंगा यूट्यूबर बनेगा, ये बनेगा, मैं क्या बोलूंगा भाई देखो तुम एनिमेशन सीखोगे, स्टोरी बना पाओगे, उसके बाद तुम्हारी भी तुम देखो जो करना है तुम्हें यूट्यूब में जाना है, तुम्हें जॉब करना है वो तुम्हारी मर्जी, ठीक है। और जॉब का क्या प्रोसेस होगा वो भी मैं बताऊंगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, देखो बिना एनिमेशन की दुनिया नहीं चल सकती, आप भी जानते हो, बच्चा बच्चा अगर कार्टून
आपको लगता है अभी क्या आने वाले टाइम में इसका क्रेज बहुत है ना। हाँ मैं बोला ना आपको, इंजीनियर बीटेक वाले आधा से ज्यादा बीटेक वाले छोड़कर एनिमेशन सीख रहे हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि वही बीटेक सर, सेम वही हो गया ना, मेरा वही फील्ड है। अभी बीटेक वाले को उतना सैलरी नहीं मिलता जितना एनिमेटर को मिलता है, वो भी एनिमेटर आराम से चेयर में सोते सोते काम करता है, उसको पता है। लेकिन कोई भी काम स्टार्टिंग में आसान नहीं होता, एक बात को ख्याल रखना, कोई भी काम स्टार्टिंग में आसान नहीं होता। अगर आपको लगता है कार्टून तो कार्टून बनाना तो आसान है, नहीं इतना भी आसान नहीं है भाई, इतना भी नहीं आसान। बच्चों के लिए काम है लेकिन बच्चों वाला काम भी नहीं है, समझ रहे हो, बच्चों वाला काम भी नहीं या है। सर कार्टून पे मतलब ना इसमें बता, आपको अवेयरनेस होना चाहिए, मतलब कि इसके प्रति आपको अब इंटरेस्टेड रहेंगे तभी कर पाएंगे। हाँ, देखो अभी मैं बात को ख़त्म करता हूँ और एक बात को ऐड करता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट अभी यूके से जुड़ने वाले थे, मतलब अपना अपने अपने बच्चों के लिए कुछ एनिमेशन सिखाना चाहते थे, तो मैंने एक बात मुझे पता लगा, बिकॉज मैं यूके तो मैं कभी गया नहीं हूँ, बाकी और कंट्री तो मैं जाता रहता हूँ। तो उन्होंने क्या बोला कि यूके में स्कूल में ये एजुकेशन, स्कूल में ये सब्जेक्ट आता है एडोबी का, एडोबी एनिमेट स्कूल में आता है बच्चों के क्लास में। तो क्या क्या है कि आप भी जानते हैं कि यार हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए, क्योंकि वीडियो एडिटिंग हो गया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, सॉफ्टवेयर डेवलप करना हो गया, और ग्राफिक डिज़ाइनर हो गया, और एनिमेशन हो गया, ये हमारी सब्जेक्ट में होना चाहिए 8th के बाद या 7th के बाद। क्योंकि आपको पता है आने वाले टाइम पे लोग ऑनलाइन रहेंगे, तो भाई कम से कम वो ये सब्जेक्ट तो होना चाहिए ना। तो आने वाले टाइम में आप देखोगे, आप देखोगे इंडिया में भी एडोबी के सॉफ्टवेयर होंगे क्लास में आने वाले टाइम सर में। यहाँ फिर भी होने पे भी कोई मतलब नहीं होता, क्लास में होने का यही मतलब होता है कि वो ये बताते हैं कि सेमेस्टर कैसे पार करें बस, और हाँ, ये नहीं बताते कि उस पे ये करना बात क्या भी है। आपने सही बोली कि उस वक्त वो सब्जेक्ट तो होगा लेकिन वो सिखाने वाले फिर वही होंगे, हरीना वाले टूल टूल सिखाएंगे। सही बात है, बात सही है। सर चलो अभी देख रहे हैं ना, अभी मान लीजिए कि हमको जैसे जॉब करना है, स्किल के नाम पे कुछ नहीं है, मतलब क्लास में मेरे को क्या, क्लास में किसी को नहीं होगा, देखो अब शिवम, शिवम कोडिंग बस अपना कोडर नाम है। अपना अपना जो हमारा इंडिया थोड़ा अभी धीरे धीरे बदल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बदल रहा है, क्योंकि मैं भी इंडिया से बिलोंग करता हूँ, बदल मैं भी इंडिया से बिलोंग करता हूँ। आप जानते हैं कि जब मुनीश मेहता ने जॉब छोड़ी तो क्यों छोड़ी, ये भी तो इंडियन है, ये भी तो इंडिया से रहता है। क्योंकि मेरी मेरी सोच मेरी सोच बदल रही है, तो जाहिर सी बात है शिवम की सोच भी बदल रही है। क्यों? शिवम को पता है कि बिल्कुल उतना जॉब करने वाला नहीं कमाता जितना बिजनेस वाला कमाता है, बिल्कुल दबा के। और आपको पता है कि इसीलिए आपको आपको ही पता है कि ना आपको भी पता है कि गोरों के बच्चे आज आगे क्यों हैं? गोरों के बच्चे जॉब नहीं करते हैं, मोस्टली मोस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि गोरों के बच्चे प्रोडक्ट बनाते हैं। अब आप देखोगे यूएस में बैठा बच्चा चाहे वो सेल करता है, कभी आपने ये नहीं सुना होगा गोरे का बच्चा जाके हमारे बच्चों की तरह वो तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट जॉब की, कभी देखा वहाँ पे यूएस में जाके कि भाई हाँ गोरों का बच्चा एक रूम में बैठ के किताबें रट रहा है। देखो 100 में से 20 बंदे होंगे, लेकिन मैं 80% बंदे बोल रहा हूँ, गोरों के बच्चों क्या बनाते हैं? फेसबुक बनाते हैं, इंस्टाग्राम बनाते हैं, सर्विस देते हैं, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां होती है। अब आपको लगता है यार ये जो गोरों के बच्चे होते पढ़े लिखे होते हैं, ये पढ़े लिखे नहीं होते, ये क्लास कॉलेज ड्रॉप होते हैं, कॉलेज ड्रॉप, ठीक है। यार तो यही सर आप मैं बता रहा हूँ कि कल जैसे कल ना कल क्लास ले रहे थे हम, तो टीचर आए थे हमारे, पीएचपी पढ़ाते हैं, तो वो कह रहे हैं मतलब वो कुछ बात करते करते बताने लगे कि क्या स्कोप है इस फील्ड में, तो वो वेबसाइट ब्लॉगिंग के बारे में बताने लगे, फिर वो कहे इस ये सब में स्कोप है, इस सब में करना क्या चाहिए, तो उन पता नहीं जो भी हो उनके मन में आया, बोले एनिमेशन और वीएफएक्स का क्रेज है इस समय, कोई कोई करता है इसमें, क्या क्या होता है ये नहीं बता रहे, बस क्रेज है करो। हाँ देखो पर आप अभी इंडिया बदल चुका है ना, इंडिया आपको पता है गुरु की कंट्री से बहुत आगे निकल चुका है डिजिटल पेमेंट में भी, लोग हैरान हो जाते हैं कि इंडिया क्या कर रहा है। तो क्योंकि देखो मैं आपको इतना बता दूं, अगर मुनीश मेहता की सोच बदली है ना, तो मुझे 100% पता है कि इंडिया में काफी करोड़ों लोगों की सोच बदल चुकी है, ठीक है। आज 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 हमारे बच्चे मोमोज बेचने के लिए कोई शर्म नहीं करते हैं, आज हमारे बच्चे चाय बेचने के लिए शर्म नहीं करते, क्योंकि वो दुनिया चला गई है जब जब लोग एक कैबिन में बैठ के गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है। कितना मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में? महीने का 2 लाख 3 लाख भाई, उससे ज्यादा जब मैं अपना बिजनेस बनाऊंगा या अपने लिए काम करूंगा। सबसे मेन बात है, देखो बिजनेस सबसे नहीं हो पाता है मान के चलते हैं, कम से कम वो अपनी फील्ड का काम कर सकता है जो स्किल वाला है ना। मैं क्या बोलता हूँ कि कभी भी काम करो ना, कभी भी कुछ भी करो, एक बच्चे को ना स्किल जरूर सिखाओ ताकि वो अपने पैर पे खड़े हो, ठीक है। सर मतलब मेरा ना यही मतलब सबसे ज्यादा यही लग रहा था कि क्या एनिमेशन में आ रहे, कुछ हुआ नहीं हुआ, यही डर था। देखो डर होता है, डर होता है, देखो ऐसा नहीं नहीं होता है, अगर डर को दूर भगाना है ना, तो एक बात को हमेशा याद रखना। देखो
जाहिर सी बात है, कार्टून बच्चा देख, बच्चा छोटे बच्चे कार्टून देखना बंद नहीं कर सकते, ये मानते हो ठीक है? नहीं, क्या दुनिया में बच्चे खत्म हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते ठीक ये है। तो और नहीं हो अब सकता। दूसरा दूसरा आपको लगता है मार्केट कैसे देखी जाती है? यही देखी जाती है ना, खाने वाले कितने हैं भाई, किसको भूख लगेगी तभी तो खाएगा, तभी तो डिमांड बढ़ेगी। तो अब अगर आपको कोई बोले अभी कि मास्क पहनो, आप लोगे? नहीं लोगे मास्क, क्यों? आप बोलोगे यार कोविड है ही नहीं, मास्क क्यों लूँ, नहीं लेना मैंने, मार्केट खत्म। अब ये बताओ कि कार्टून कौन देखता था? कार्टून यूपी में कौन देखता है? 16 साल का उम्र का, आजकल 16 साल तक का बच्चा देखता है, मतलब छोटा बच्चा छोड़ो ना, 16 साल तक का देखता है। तो आप बोलोगे यार मुझे 16 साल से क्या लेना है, अगर यूट्यूब में कोई देखता अपने मम्मी के फोन से कार्टून, यूट्यूब को क्या पता वो बच्चा है, वो तो पापा का मोबाइल से देख रहा है ठीक है। तो आप बोलोगे आज अगर वो बंदा बच्चा यूट्यूब में भी देखता है या फिर 16 साल का, वैसे भी जो एनिमेशन है वो बच्चों के कार्टून बनाने के लिए नहीं, अब लोग धार्मिक वीडियो भी बनाते हैं, लोग धार्मिक वीडियो बनाते हैं। अभी मेरे पास, आज ही मेरे पास जब कॉल आता है तो बड़े बड़े धार्मिक लोग भी कॉल करते हैं, जैसे कोई बोलते हैं हमें भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर वीडियोज बनानी है, क्योंकि धार्मिक वीडियो बनती है अब। तो कहने का मतलब है आपको पता है इसमें प्रोजेक्ट आएंगे, सबसे बड़ी बात है 3D की तरह बड़ा टीम नहीं चाहिए, 2D है, इसमें अकेला बंदा काम कर सकता है आराम से बैठ के। आपको पता है मैं शिव हूँ, ट्रेडिंग आउटपुट कम मिलता हाँ है। हाँ मैं अकेला बंदा हूँ, मैं आराम से बैठ के अकेला काम कर सकता हूँ। हाँ जो काम टीम 4 बंदे बैठ के दिन में एक स्टोरी करेगा वो मेरे को 5 दिन लगेगा, बस इतना है, वो 5 दिन लगेगा। लेकिन 3D की तरह नहीं है ना कि बहुत बड़ा टीम चाहिए, बहुत बड़ा सिस्टम चाहिए, बहुत बड़ा टाइम लगेगा, 1 महीना लगेगा। आपको पता है कि बड़ा काम सीखने से कोई फायदा नहीं है जब तक आपका अर्निंग ना हो, जेब में पैसा आना चाहिए ठीक है। तो मैं यही बोलता हूँ कि लोग बोलते हैं, जब मैं क्लास में था तब लोग कहते थे कि हमें तो 3D करना है, माया करना है, माया मुझे भी आता है, मैक्स मुझे भी आता है, लेकिन भाई तुम माया करके आज तुम क्या कर रहे हो? आज वो VFX का वो क्रोमो में वो मैं जाके वो ग्रीन स्क्रीन हटा रहा हूँ अभी, देखो वो ऐसे लोग। ही ना क्लास में दो तीन लड़के हैं जो मतलब थोड़ा थोड़ा उनको इंटरेस्ट है एनिमेशन में, पर वो क्या सोचते हैं कि ये भी सीख ले और ये क्लास का कोडिंग भी सीख ले। हम बोले जो भी करना है या तो एनिमेशन करना ये कर लो या तो क्लास का करना है, दो में से एक पकड़ो ना, किसी एक फील्ड का एक्सपर्ट बनो। हाँ, नहीं क्या होता है, अभी आप ये भी देखोगे क्या होता है, एक होता है कि जो चीजों को समझता है सुनता है। आप देखोगे कभी कभी ऐसे ऐसे स्टूडेंट मिलते हैं जिनको लगता है अरे भाई तू क्या कर रहा है 2D, मैं तो 3D कर रहा हूँ, लेकिन उसे मार्केट नहीं पता, अभी हुआ ऐसा ही मार्केट हुआ नहीं कर है, रहा है। 2D सीख रहा है, साल भर में 2D 3D सब सीख लेना। हाँ नहीं, आपको आपको पता है कि 2D में ज्यादा प्रोजेक्ट मिलते हैं, इसलिए मैं 2D सीख रहा हूँ ठीक है, या फिर मुझे 2D पसंद है, मुझे कार्टून पसंद है। और आपको पता है कि YouTube में कभी कोई ऐसा चैनल देखा जो 3D में बना है? देखा होगा 100 में से 2 चैनल। क्यों? आप अगर आपसे पूछेगा, आपसे कोई पूछेगा क्यों किया, क्योंकि आपने लर्न एनिमेशन वीडियो देखा, आप क्या बोलोगे? 3D में 1 दिन में 5 सेकंड का काम होता है, 2D में 1 दिन में 2 मिनट का होता है। तो 2 मिनट का आप होता बोलोगे कि भाई जब YouTube में 1 दिन में एक वीडियो डालना है तो कोई बिजनेसमैन क्यों इन्वेस्ट करेगा उसमें? नहीं करेगा। सर, वही जो वीडियो आपको सेंड किया ना, 2 दिन में बनाया, मतलब उसका लेवल उतना नहीं है, फिर भी पहला वीडियो है। अच्छा ओके आपको लिंक दिए ओके थे, या तो डाउनलोड करके दें। ओके, मैं ज़रूर देखूंगा उस वीडियो को और आपको बता भी दूंगा कि कैसा है क्या है। बाकी जो भी है मैं आपको यही बोलूंगा, पहले बेसिक सीखो, अच्छे से सीखो, उसके बाद अपना पोर्टफोलियो बना के फिर आप अप्लाई करो, और अगर हो सके तो वो मुझे दिखा दो, फिर जब मैं बोलूंगा तब जाके जाना वैसे। पोर्टफोलियो सर, यस सर, पोर्टफोलियो एक बार बना के आपको दिखा देंगे सर, हाँ, ठीक है। और कुछ जानना उसके चाहते लिए हो? टाइम लगेगा, अभी 8 से 10 दिन लगेगा लेकिन बनाने में। हाँ, और कुछ जानना चाहते हो? मैंने सब सारा चीज़ नहीं बता दिया। सर, ठीक है, सब क्लियर हो गया, थैंक यू सर। ओके ओके चलो।